मम्मी आज क्या बना रहे हो? आज मैं बना रही हूँ हॉट लेमन पिकल। हॉट लेमन पिकल। हाँ, तो इसके लिए आपने क्या मैंने लिया? आधा किलो कागजी नींबू लिए हैं। आजकल नींबू बहुत अच्छे आ रहे हैं ठीक है। गर्मी के मौसम में। पहले हमने डाला था खट्टा मीठा अचार, हाँ जी तो आज मैं डाल रही हूँ ये नमकीन चटपटा अचार जिसको बोलते हैं हॉट लेमन पिकल। तो ठीक है इसके लिए मैंने आधा किलो नींबू लिए थे। इनको मैंने अच्छी तरह धो के और सुखा लिया है। ठीक है नींबू बिल्कुल सूखे होने चाहिए, गीले नहीं होने चाहिए। ठीक है एक छोटा कप मैंने सरसों का तेल लिया है। ठीक है काली मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, 3 ये चम्मच चाय के चम्मच जो है ये मैंने वो लिए है नमक, और 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, और आधा थोड़ा चम्मच कम हम हींग डालेंगे इसमें। ठीक है तो पहले हम नींबू को काटेंगे, 1 के 4 पीस करेंगे और इसमें से हम इनके बीज निकाल देंगे। ठीक तो मैंने इन सारे नींबूओं के बीज निकाल लिए और 1 नींबू के 4 पीस कर लिए मैंने। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सारा सामान। नमक डाल दिया मैंने। ये आपने आधा किलो नींबू लिए थे ना? हाँ आधा किलो नींबू लिए तो थे। उसी हिसाब से आप अपना मेजरमेंट रखें। हाँ जो भी मसाला है ये मिर्च डाल दी है मैंने सारे आधा किलो नींबू के हिसाब से लिए मसाला। हल्दी डाल दो। अब 1 छोटा चम्मच है, बिल्कुल आप इसको आधा चम्मच कह सकते हैं। ठीक है काली मिर्च हींग ठीक है थोड़ी सी, ये भी आधा चम्मच इक्विवेलेंट ही हो गई। हाँ जी ठीक है ओके। अब लास्ट में आप तेल हाँ, डालोगे? तेल कच्चा ही डालना है हमने, पका के नहीं डालना। ठीक है और ये अचार 1 साल तक खराब नहीं हो सकता। ओके मतलब आपने तेल को गर्म नहीं किया? नहीं आपने सीधा ही तेल डाल दिया इसमें। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसको धूप में भी रखना पड़ेगा? हाँ इसको 3-4 दिन, आजकल धूप बड़ी अच्छी है, 3-4 दिन धूप में रखेंगे और सुबह शाम इसको हिलाते रहें। जब धूप में रखने जाएं तब हिलाएं और जब उठाने जाएं तब हिलाएं इसको। आप ध्यान रखें कि ढक्कन खोल के नहीं हिलाना है, बस हाँ। खाली मर्तबान में जो भी अचार है बस मर्तबान को थोड़ा शेक करना है आपने। और हमेशा कंच के मर्तबान में डालें और मर्तबान साफ सुथरा और सूखा होना चाहिए। ठीक है बिल्कुल। हमारा अचार अब डल गया है, मैं इसमें डालने जा रही हूँ। तो आप एक बार इस अचार को जरूर ट्राई कीजिए। हमने पहले भी एक पिकल की रेसिपी अपलोड करी है नींबू की, वो खट्टा मीठा अचार है, तो आप उसको भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं और उसे भी बनाएं, वो भी काफ़ी अच्छा अचार है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए से नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।